अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर हो, आफियत से होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्काउट के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कौन सा स्काउट अनाउंस किया है वर्ल्ड कप के लिए, और कौन कौन से खिलाड़ी इसमें शामिल है, और कौन किस किस खिलाड़ी को टीम से ड्रॉप किया गया है, और कौन से खिलाड़ी टीम में शामिल होने चाहिए, ये तमाम तफसीलात इसी वीडियो पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन हजरात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन दोस्तों ने फेसबुक पर फॉलो नहीं किया वो फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने हतमी 15 रुकनी स्काउट का ऐलान कर दिया। सबसे पहले हम स्काउट पर नजर डालते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्काउट में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। अगर बात करें कैप्टन की तो कैप्टन बाबर आजम होंगे, वाइस कप्तान शादाब खान होंगे, उसके साथ शहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, इमामुल हक, फखर जमान, सुलेमान अली आगा, हारिस रऊफ पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे, मोहम्मद नवाज, उसके साथ साउद शकील, मोहम्मद वसीम जूनियर, अब्दुल्ला शफीक, इफ्तार अहमद, हसन अली और उसामा मिल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल हैं। अगर रिजर्व प्लेयर की बात करें तो रिजर्व प्लेयर में इब्रार अहमद, उसके साथ साथ विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस, और उसके साथ साथ जमान खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो फास्ट बॉलर है उसको रिजर्व प्लेयर में रखा है। अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड पर नजर डालें तो यहाँ पर नसीम शाह की स्क्वाड से बाहर हुए हैं नसीम शाह। बकिया जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड है वो एशिया कप का जो स्क्वाड था वही सेम स्क्वाड पाकिस्तान ने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया, सिर्फ एक तब्दीली की है जिसमें पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नसीम शाह जो इंजरी हुए थे उनको ड्रॉप किया और उनकी जगह पर हसन अली को पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया। अगर रिजर्व प्लेयर में बात करें तो रिजर्व प्लेयर में इब्रार अहमद की वापसी हुई है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर जमान खान की भी वापसी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये वर्ल्ड कप का जो स्कोर है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो वर्ल्ड कप का स्कोर है इसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या जीत सकती है ये मैचेस, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्कोर में इतनी एबिलिटी मौजूद है। यहाँ पर बात करें तो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास एक नसीम शाह की कमी हमें जरूर महसूस होगी, बकिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का परफेक्ट स्कॉड है। इसमें सिर्फ अगर इमाद वसीम की एंट्री हो जाती तो पाकिस्तान का बेस्ट स्कॉड होना था, क्योंकि मोहम्मद नवाज की जगह पर अगर उसको प्लेइंग 11 में शामिल कर लेते तो बेहतरीन और जबरदस्त किस्म का स्कॉड बन जाना था। उसके बाद अगर बात करें हम जो इसमें 15 खिलाड़ियों में से पाकिस्तान की जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो कौन सी बनेगी, अगर बात करें तो हम अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान में से एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ओपनिंग करेंगे, क्योंकि फखर जमान परफॉर्म नहीं करे और अब्दुल्ला शफीक ने एशिया कप के लास्ट मैच में श्रीलंका के खिलाफ बेहतरीन और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी थी। उनके साथ इमामुल हक ओपनिंग करेंगे, जबकि नंबर 3 पर बाबर आजम और नंबर 4 पर मोहम्मद रिजवान होंगे। नंबर 5 पर हमारे पास सुलेमान अली आगा या साउथ शकील में से एक खिलाड़ी आपको खेलता हुआ दिखाई देगा, जबकि नंबर 6 पर इफ्तार अहमद, नंबर 7 पर वाइस कप्तान शराब खान होंगे, नंबर 8 पर हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर होंगे मोहम्मद नवाज, उसके बाद शहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 होगी जो बेस्ट प्लेइंग 11 बनती है, जिसमें एक सिर्फ नसीम शाह की थोड़ी सी कमी जरूर महसूस होगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हसन अली जी उनसे बेहतर परफॉर्मेंस दिखाकर साबित करेंगे कि वो एक बेहतरीन और टैलेंटेड फास्ट बॉलर है। इसी उम्मीद और दुआओं के साथ इजाजत चाहता हूँ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का ये स्क्वाड वर्ल्ड कप जीते। अल्लाह हाफिज़।